नमस्कार विद्यार्थियों, मैं मनीष नैनीवाल, सहायक आचार्य, बीए प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम कबीरदास का अध्ययन कर रहे थे और हमने पूर्व वीडियो में कबीरदास की कुछ शाखियाँ जो गुरुदेव के अंग और सुमिरन को अंग से ली गई थी का अध्ययन कर लिया है। आज हम विरह को अंग शीर्षक से ली गई उनकी शाखियों का अध्ययन करेंगे। विरह को अंग में कबीर ने विरह को महत्वपूर्ण माना है। ईश्वर के प्रति विरह का अनुभव साधक को होना चाहिए और मन ईश्वर के प्रति लालायित होना चाहिए। ईश्वर को पाने की कामना मन में होनी चाहिए, विवलता होनी चाहिए। यानी विरह का अनुभव जब तक साधक को नहीं होगा तब तक वह ईश्वर से साक्षात्कार भी नहीं कर पाएगा और ईश्वर से मिलन के लिए विरह का अनुभव जरूरी है। इसी क्रम में यह साखी ली गई है, चकवी बिछुटी रेणी की आय मिली प्रभाती, जे जन बिछुटे राम सूते दिन मिले न राती। कबीर द्वारा रचित विरह को अंग से ली गई इस साखी में कबीर ने चकवा और चकई का उदाहरण देते हुए विरह को ईश्वर मिलन के लिए आवश्यक माना है। यानी साधक को विरह का अनुभव होना चाहिए। कबीर कहते हैं कि चकवा और चकवी रात में बिछुड़ जाते हैं और प्रभात होते ही वापस मिल जाते हैं। चकवी बिछुटी रेणी की आय मिली प्रभाती, चकवी जो हैं रात भर चकवे से बिछड़ जाती हैं और उसके विरह में कष्ट या दुख सहन करती हैं सारी रात भर, और जब प्रभात होता है सुबह होती है तो वापस मिल जाती हैं और उसकी वेदना उसके कष्ट समाप्त हो जाते हैं। उसी प्रकार से ईश्वर को प्राप्त करने के लिए साधक के मन में भी उसके प्रति विरह का अनुभव होना जरूरी है, विरह की वेदना को सहन करना जरूरी है। तो कबीर यहाँ कह रहे हैं कि चकवी अपने प्रिय से यानी चकवा से रात भर बिछड़ कर प्रभात होने पर उसे मिल जाती हैं और रात में वह विरह के कष्ट को सहन करती हैं, वियोग की वेदना को अनुभव करती हैं। किंतु जे जन बिछड़े राम सुन, जो व्यक्ति जो अज्ञानी हैं जो राम से बिछड़ जाते हैं और राम से बिछड़ करके उस वेदना को अनुभव नहीं करते हैं, तो ऐसे अज्ञानी व्यक्ति न तो दिन में और न ही रात में उस ईश्वर से मिल पाते हैं। यानी जो उस वेदना को अनुभव नहीं करते, उस विरह की वेदना को, जो ईश्वर से बिछड़ कर जिस वेदना को अनुभव करना जरूरी है उस वेदना को नहीं अनुभव करते, वे न रात में ईश्वर से मिल पाते हैं और न दिन में ही ईश्वर से मिल पाते हैं। तो कबीर यहाँ ईश्वर के विरह रूपी जो वेदना है उसके अनुभव को आवश्यक मानते हैं। साधक में जब ऐसी वेदना होगी, ईश्वर से मिलने की उत्कंठा होगी और वो वेदना को अनुभव करेगा तभी वह ईश्वर से साक्षात्कार कर पाएगा। आगे हैं, बहुत दिन की ज्योति बाट तुम्हारी राम, जीव तरसे तुझ मिलन को नहीं मने नाही विश्राम। अब कबीर स्वयं उस विरह को अनुभव करते हुए कह रहे हैं, कबीर कहते हैं कि मेरी आत्मा या मेरा मन बहुत दिनों से ईश्वर की बाट जो रहा है, ईश्वर का रास्ता या ईश्वर की राह देख रहा है। बहुत दिन की ज्योति बाट तुम्हारी राम, हे राम मेरा
मन या मेरी आत्मा, मेरा चित्त बहुत दिनों से तुम्हारी राह देख रहा है। तुम्हारे विरह में वेदना सहन कर रहा है। जीव तरसे तुझ मिलन को, मेरा जीव यानी मेरा मन, मेरा चित्त तुमसे मिलन के लिए तरस रहा है और मन नहीं विश्राम। इसे एक पल के लिए भी किसी प्रकार का विश्राम या चैन नहीं है। मेरे मन में निरंतर बेचैनी बनी रहती है। मैं या मेरा मन, मेरा चित्त लालायत रहता है तुमसे मिलने के लिए, तरसता रहता है। इस प्रकार कबीर स्वयं उस ईश्वर से मिलन के लिए उस विरह की वेदना को सहन कर रहे हैं और आगे उसी क्रम में कह रहे हैं, यहूत नजारों मसी करो लिखो राम का नाम, लेखनी करो करंक की लिखी लिखी राम पठाऊँ। कबीर उस विरह की वेदना को सहन करते हुए आगे कह रहे हैं कि मेरा मन ऐसा करता है कि मैं उस विरह का जो असहनीय दुख है उससे छुटकारा पाने के लिए यह तन जारों मसी करूँ, इस तन को जला दूँ। जारों यानी जला दूँ, यह तन, मैं इस तन को जला दूँ। उस विरह की वेदना से छुटकारा पाने के लिए, ईश्वर से मिलने के लिए मैं इस तन को जला दूँ और इसकी क्या करूँ, मसी करूँ। मसी यानी स्याही बना दूँ, इस तन को जला करके उसकी भस्म कर दूँ और उस भस्म से एक स्याही बनाऊँ और लिखूँ राम को नाम, लेखनी करूँ करंक की। करंक कहते हैं हड्डी को, विशेष रूप से खोपड़ी की जो हड्डी है उसको। लेखनी करूँ करंक की, और जो करंक हड्डी है मेरे शरीर की, जो हड्डी है खोपड़ी की हड्डी, उसकी मैं लेखनी बना दूँ। मेरे शरीर को जला करके उसकी भस्म से मैं स्याही बना दूँ और हड्डियों से मैं एक ऐसी लेखनी बनाऊँ कि उस लेखनी की सहायता से उस शरीर की भस्म से बनी स्याही से मैं राम का नाम लिख करके, लिखूं राम का नाम, उस राम का नाम लिख करके लिखी लिखी राम पठाऊं यानी भेजना। मैं उस स्याही और उस लेखनी की सहायता से राम का नाम लिख लिख करके उस ईश्वर को भेज दूं, पठाऊं यानी भेज दूं। यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि जब इस प्रकार से राम को कबीर की जो विरह रूपी कष्ट हैं उसका एहसास होगा और उसके बाद ईश्वर या कबीर के राम उसे दर्शन के लिए दर्शन देने के लिए आएंगे, तो इस प्रकार से कबीर ने यहाँ उस विरह में ईश्वर से साक्षात्कार के लिए अपने शरीर को जलाकर, उसकी स्याही बनाकर और अपने शरीर की हड्डियों से लेखनी बना करके और उस स्याही से राम का नाम लिख करके राम के पास भेजने के बारे में कहा है, ताकि राम को अपने भक्त का स्मरण हो और उसे दर्शन देने के लिए आए और उसकी विरहणी जो आत्मा है उसकी दशा को समझें। और इस प्रकार कबीर ने ईश्वर से साक्षात्कार के लिए आध्यात्मिक विरह का अनुभव जरूरी है ऐसा बताया है। इसमें कबीर ने ईश्वर की प्राप्ति के लिए निरंतर ईश्वर का चिंतन और उसके दर्शन को पाने की विवलता और ईश्वर की अनुभूति को आवश्यक माना है। यह अनुप्रास, विपसा रूपक अलंकारों का प्रयोग दृष्टव्य है, प्रारंभिक हिंदी भाषा है जो सहज एवं सरल है। धन्यवाद।